किया थी ट्वीट सोमनाथ को, कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, मगर इतिहास गवाह क्रूरता और अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो आखिर में जीत भक्ति की होती है। सामना में कंगना पर निशाना, मुंबई को कम आंकना मतलब खुद के लिए गड्ढे खोदना, महाराष्ट्र संत महात्मा और क्रांतिकारियों की भूमि। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी की मुंबई गोवा में ताबड़तोड़ छापामारी, ड्रग तस्कर अनुज केशवानी के खुलासे पर छापा। एनसीबी का ड्रग तस्करों के ठिकानों पर छापा, कई और नामों का खुलासा किया रिया चक्रवर्ती ने। महाराष्ट्र में उद्धव राज में बेलगाम हुए शिवसेना कार्यकर्ता, मुंबई की कांदिवली में रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को पीटा, 6 शिवसेना वर्कर्स गिरफ्तार। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर नड्डा नीतीश की बैठक, 50-50 पर समझौते की उम्मीद। बिहार में बीजेपी की चुनाव समिति के साथ मतापच्ची करेंगे जेपी नड्डा, कोर कमेटी की भी होगी बैठक। चुनावी मुहिम की शुरुआत से पहले मंदिर गए जेपी नड्डा, बड़ी पटन देवी में की पूजा अर्चना। कांग्रेस में सोनिया गांधी ने किया बड़ा बदलाव, चिट्ठी प्रकरण के बाद महासचिव पद से गुलाम नबी आजाद की छुट्टी। सोनिया गांधी ने बड़ा उलटफेर करते हुए 9 महासचिव और 17 प्रभारी किए तय, प्रियंका गांधी को पूरे यूपी की जिम्मेदारी। चीन थोड़ी देर में 5 भारतीयों की रिहाई करेगा, सभी 5 युवकों को छोड़ेगा चीन। सीमा विवाद में पीएलए ने पिछले हफ्ते बनाया था बंधक, लापता युवकों को छोड़े जाने की खबर के बाद परिजनों ने ली राहत की सांस, आज तक से बातचीत में जताई खुशी। एलएसी पर चीन के साथ बढ़ता जा रहा है मौजूदा तनाव, प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच हुई बैठक। विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत के बाद फिर चीन ने बदला पैंतरा, ग्लोबल टाइम्स की धमकी, सर्दियों में पैंगोंग त्सो में डटी रहेगी चीनी सेना। चीन से मौजूदा विवाद पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा केंद्र ने ड्रैगन को खदेड़ने की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया। देश में 24 घंटे में 97,570 नए मामले, 1,201 मरीजों की गई जान। देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 46 लाख के पार, अब तक 77,000 से ज्यादा मरीजों ने तोड़ा दम। बीजेपी नेता की गिरफ्तारी पर आसनसोल में हंगामा, पुलिस आयुक्त का घेराव। अंबाला में अवैध शराब जब्त, जूस के ट्रक से करीब 300 पेटी बरामद की गई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक को लगी गोली, 3 फरार। दिल्ली में हेरोइन की बड़ी खेप बरामद, 5 लोगों को स्पेशल सेल ने दबोचा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, विदेशी लोगों को सर्विस देने के बहाने कर रहे थे ठगी। शाजापुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, 3 कट्टे और कारतूस के साथ एक गिरफ्तार। वाराणसी में 5 लाख की शराब बरामद, हरियाणा से तस्करी करके लाई जा रही थी बिहार, एक गिरफ्तार। मेरठ में जहरीली शराब पीकर 2 लोगों की मौत, एक्साइज विभाग ने चलाया छापामारी अभियान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।